है, एंड दैट्स द रीजन दे आर डूइंग वेरी गुड ओवर हियर। पंख को नॉकआउट किया गया है, सटीकता का एग्जाम्पल। उन्हें पता है कि पेड़ के पीछे अब ये खिलाड़ी जाने वाला है। ज्यादा डेस्परेट नहीं दिखा रहे, ज्यादा देखा जाए एग्रेशन नहीं दिखा रहे। उनको पता है कि ओवर कमिटमेंट दिखाएंगे तो पता चले उनका भी खात्मा देखने को मिल जाएगा। बट रेकनिंग चाहते तो ये भी है, क्योंकि देखिए दो टीम ऐसी है जिनके 10 से भी ज्यादा फ्रैग ऑलरेडी निकल चुके हैं। एक का नाम रेकनिंग तो दूसरे का नाम यहाँ पर डीप ओजी। बट इनसे जैसे आप बात कर रहे थे, यहाँ पर हाइड्रा का वो स्टिल दे आर सर्वाइविंग स्पर्श, ये काफी कमाल का, मतलब जहां पर उनको एक अंक मिल सकते थे या फिर शून्य, वहां पर इस टीम ने लगभग अपने 10 अंक सुनिश्चित कर लिए हैं। बट फिलहाल के लिए वो फाइट का इंतजार करके एक बार ये दो टीम्स की फाइट हो जाए और थर्ड पार्टी का फायदा उठा यहां से। देखिए थर्ड पार्टी का फायदा बहुत बड़ा स्किल होता है, जब भी आपको मौका मिले थर्ड पार्टी का कर लीजिए, जितने ज्यादा फ्रैग्स आप स्टील कर सके। इसी बीच फाइनली एक प्लेयर एलिमिनेट होता है, आश बेबी बीइंग द सेकंड गाय। टीम ओरांगुटान के दो प्लेयर फिनिश हो चुके हैं। विजगॉट की तरफ धीरे धीरे रेकनिंग के खिलाड़ी बढ़ते रहे। इमॉर्टल सामने की तरफ स्मोक के अंदर, विजगॉट थे स्मोक से निकले, विजगॉट ने डाउन किया इमॉर्टल को, गेट्स टेकन डाउन। ट्रायोड 16 भी डाउन है और इसी बीच एक अच्छा खासा मुकाबला, विनर विनर चिकन डिनर लेकर उनके जस्ट बिहाइंड आ जाए और रेविनेंट को एक ही स्प्रे में मल्टीपल प्लेस को डाउन करते नजर आ जाए, बहुत खतरनाक हो सकता है। बट यहाँ पर फॉक्स का वो ग्रेनेड काफी शानदार आईजीएल को करेगा डाउन, और अब मेरे ख्याल से फॉक्स के साथ यहाँ पर मिस्टर आईजीएल भी आगे दौड़ते नजर आ सकते हैं। यहाँ पर टीम रेविनेंट वापस से वो ट्रबल की पोजिशन में आते हुए नजर आएगी। मैक्सी भी आगे बढ़ेंगे जरूर, और यही तो कॉन्फिडेंस चाहिए था टीम तमिलास को। देखिए एक एक करके सभी प्लेयर्स और मैक्सी निकालेंगे वो आखिरी फ्रैग भी, बट कोई और थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट फिलहाल के लिए तो हुआ नहीं है। लेकिन हुआ है यहाँ पर, क्योंकि हाइड्रा हमें लॉस लियोनेस पे जाती हुई नजर आ रही है, रेविनेंट ईस्पोर्ट्स भी लॉस लियोनेस की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। एंड देयर वी गो, पहली फाइट हो चुकी है टीम ओमेगा वर्सेस जेनिक्स एफएम। क्रिप्टो ने इस बार ओमेगा को झटका दिया है, अंडरडॉग नंबर 2 भी डाउन होते हुए। तीन प्लेयर फिनिश हो चुके हैं, क्या यहाँ पे हमें बहुत बड़ा झटका। टीम सोल नियो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए हैं हमारे, टीम ओमेगा के नियो आखिरी खिलाड़ी। नियो कम्स अप विद अनदर क्लच, जी हाँ 1v1 की स्थिति, एंड नियो कैन ही डू इट। दो प्लेयर्स को डाउन कर दिया है, तीसरे प्लेयर को नॉक कर दिया है, और अब एक आखिरी खिलाड़ी स्टॉर्म 1v1 की स्थिति। इज ही गोना गो फॉर द पुश, क्या यहाँ पे 1v4 क्लच हो पाएगा या नहीं। नियो आगे जाते हुए, ही इज गोना गेट द थर्ड फ्रैग इन हिज पॉकेट, बट नाउ इट्स द लास्ट मैन स्टैंडिंग फ्रॉम द साइड ऑफ टीम जेनिक्स एफएम। दे स्टार्टेड ऑफ वेरी गुड, बट नाउ नियो इज ट्राइंग टू फाइट बैक, एंड ही इज फाइटिंग बैक, स्ट्राइकिंग बैक वेरी कॉन्फिडेंटली, वेरी फेरोशियसली। द कॉन्फिडेंस द लैड इज शोइंग इज ऑन अनदर लेवल। नियो अभी भी चेस करते हुए जो क्रेट्स हैं उनको लूट करेंगे और अपनी बची खुची फाइट कंप्लीट करेंगे। टीम ओमेगा डज नॉट वांट टू लूज दिस फाइट। टीम ओमेगा भले ही तीन प्लेयर्स फिनिश हो चुके हैं, लेकिन चौथा खिलाड़ी अब भी लड़ रहा है, यह नियो। ये आखिरी खिलाड़ी को भी फिनिश करना चाहता है, और अब यहाँ स्टॉर्म को भी पता चल चुका है कि नियो एक अग्रेशन मोड पे जा चुका है। नियो हैज हिट द सुपर सियन मोड, और अब सुपर सियन मोड पे नियो से भिड़ना इतना आसान नहीं होगा। देखते हैं जेनिक्स एफएम यहाँ पे फाइट को कंप्लीट कर पाती है या फिर नियो के 1v4 का शिकार हो जाती है। मैं ये बोलूंगा दोनों तूफान टकराने वाले एक साथ, अब ये क्लच सक्सेसफुल होगा या फिर फेल में तब्दील होगा, ये तो अभी के लिए स्टॉर्म का क्या स्ट्रेटेजी रहती है। इतना बढ़िया मौका मिला था, हम खुद बहुत चक्के रह गए थे कि हुआ क्या। अभी तक अगर हम बात करें जेनिक्स एफएम और टीम ओमेगा की, जब तक ये बैटल हुई है, जब से हमें फिनाले की बैटल हुई है, हम कह सकते हर बार टीम ओमेगा ही जीतती नजर आई यहाँ पर। बट फिलहाल के लिए जेनिक्स एफएम अगर चाहते हैं यहाँ पर जीत दर्ज करना, सोल न्यू नामक इस खिलाड़ी को बात करना पड़ेगा, इस मात देना पड़ेगा यहाँ पर। बट अभी के लिए ग्रेड के चलते वो निकालना चाहते हैं, क्या हो पाएगा। ऑलमोस्ट डैमेज नहीं मिला यहाँ पर, बट S12 की सोच कर रहा है, उनको लग रहा है कि क्लोज रेंज की बैटल अगर लड़ी जाए, ये बैटल अगर लड़ी जाए तो बेहतर हो सकता है। बट जी नहीं, अब पता चल चुका है कौन से वेपन का इस्तेमाल। बट नियो क्या UMP-45 के साथ ही अपना ये 1v4 क्लच करते नजर आ सकते हैं। अभी भी थोड़ा सा टाइम टेकिंग ये चल रहा है, बट अब फाइनली जाकर ये क्लच होता ना 1v4 फ्रॉम टीम ओमेगा नियो साइड, बट एट फॉर व्हाट कॉस्ट। तीन कैजुअलिटी हमें देखने को मिलती नजर आई, अंडरगॉड नंबर 2 ओमेगा एंड हेक्टर के रूप में। बट अभी भी वो बट माइटी गेट्स पिक्ड ऑफ, रोनक बीइंग द लास्ट मैन स्टैंडिंग। टीम मेगा स्टार्स कॉन्स्टेंटली शॉट दे रहे हैं, रेडन द्वारा ट्रैगर को टेक डाउन कर दिया गया, टीएफजी के गॉड प्लेस डाउन।
नकुल भी यहाँ पे प्रॉब्लम में फंसते हुए, बट रॉनी वॉज देयर फॉर द कवर। रॉनी ने कवर दिया सही समय पे, नकुल को बचाने की कोशिश करेंगे, बट वेयर आर दी अदर प्लेयर्स, उनको भी जरूरत है यहाँ पे आने की। नकुल एंड हिज पावर, बोथ द प्लेयर्स हैव बीन टेकन डाउन। मानिया पीछे से आ तो रहे हैं फॉर द रेस्क्यू, बट क्या यहाँ पे रेस्क्यू हो पाएगा या नहीं, खिलाड़ियों का मौका है ड्रैगन ईस्पोर्ट्स के अगेंस्ट फाइट लेने का, ड्रैगन ईस्पोर्ट्स को एलिमिनेट करने का, हिज पावर और नकुल को बचाने का। पहले भी करके दिखाया है, आज भी करके दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अब और भी बहुत सारी टीम्स की निगाहें हैं, सोच समझ के खेलना पड़ेगा। ये ग्रेनेड, मैक्सी का ग्रेनेड मानिया को करेगा कंफर्म, और इसी के साथ साथ टीम सोल